अपना बेटा तनिक बैठकर सुस्ता ले, सांस ले, सोच ले, क्या बीता क्या गुजर गया। पानी पिएगा? दुखी है? अच्छा है, दुख ही परिचय करवाता है सुख से। धूप न हो तो छांव कैसी? अच्छा ये बता, तेरे अब्बू कैसे हैं? ठीक है। और तू? मैं भी ठीक ही हूं। जो कह रहा है उस पे यकीन कर। होना न होना, पाना या खोना, पहलू हैं जीवन के जैसे सिक्के में हरूफ और मीम। सिक्का पाया है तो ये दोनों साथ रहेंगे। बाबा मैं सवा से शादी करना चाहता था। चाहता था या यूं कहें चाहता है। खैर जो सच है उसे स्वीकार कर ले बेटा। क्या सच है? वो जो तुझसे कहना चाहती थी। पता नहीं उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा। उस क्यों का जवाब मत ढूंढ, सिर्फ पीड़ा ही हाथ आएगी कि एक काई से ढका समंदर है, इसमें उतरना मत, लौट जा, वापस लौट जा। अपना बचपन, अपनी यादें, अपना यतीत सब कुछ यहीं दफन कर दे और शुरू कर एक नया जीवन। जिन्हें जानता है उन्हें भुला दे, वो सामने भी आए तो उन्हें पहचान मत। अपने अब्बू को शहर ले जा, भाग के तुझे एक नया मोड़ देगा। मैं क्यों जा, कहां जाऊं मैं? काश काश ये सवाल तेरे मन में ना आया होता। मैं मानता हूं ब्रिज, मुझे सबके सामने यूं ही नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम ही ने मुझे मजबूर किया है ऐसा करने के लिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है ब्रिज। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए शहर घूम कर आओ, बंबई। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं फिलहाल की बात नहीं कर रहा हूं, दरअसल राजा राय बहादुर और उनकी बेटी यहां आ रहे हैं।